आप सब कैसे हैं बच्चों। मैं अंजू तिवारी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी हिंदी की पाठशाला लेकर के। हम आज कक्षा 12वीं का मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय इस पे चर्चा करेंगे और इनके द्वारा जो हमारा रचित कहानी है आपका पाठ पहला नमक का दरोगा उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। तो कहानी पढ़ने के पहले हम आइए मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है, इनके बारे में पढ़ाने के पहले हम आपको ये बता दें कि इनकी छोटी कहानियाँ जो है छोटी कक्षाओं में भी दी गई है। जैसे कि आपने छठी या सातवीं क्लास में बूढ़ी काकी वगैरह ये सब पढ़ा होगा, तो इन्होंने जितनी भी कविताएँ या रचनाएँ जो भी की हैं, कहानी उपन्यास जो भी कुछ किया है, वो मानवता पर आधारित किया है या समाज में क्या दृष्टिकोण चल रहा था, अधिकतर इनकी रचनाएं उसी पर आधारित होती हैं। तो आइए बच्चों देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है। आइए एक एक टॉपिक पे हम इसको वर्णन करते हैं। तो देखिए इनका पूरा नाम यानी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ये जो था मुंशी प्रेम जी, इनका पूरा नाम था धनपत राय। पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद जी का था धनपत राय और इनका जन्म जो है वो 31 जुलाई को सन 1880 में हुआ था। जन्म स्थल अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वाराणसी यानी कि जो बाबा की नगरी है वहाँ वाराणसी के एक लमही नामक गांव में वहां पर हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म और मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में। अब इनके पिता का नाम अगर हम जाने तो पिताजी का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। भाषा अगर हम भाषा देखें तो इनको हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का ज्ञान था और राष्ट्रीयता इनकी हिंदुस्तानी थी। और प्रमुख रचनाएं इनकी रचनाएं बहुत हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई हैं वो गोदान है, गबन है, इसके अतिरिक्त कफन है और भी बहुत सी रचनाएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इनके इन्होंने कुछ अनमोल बातें भी बताई हैं जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ अनमोल बातें जो बताई हैं वो जीवन पर आधारित बताई जिसको कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहली जो नैतिकता की बातें हैं वो क्या लिखा है कि खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, अपितु जीवन का नाम जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का, ये बच्चों को इन्होंने संदेश दिया है। दूसरा हमारा कथन है कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला, जिसका कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर हमारे सामने जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती है तो उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उससे बढ़िया सीख हमको विद्यालय नहीं दे सकता है, क्योंकि विद्यालय में आप किताबें पाठ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और यहाँ पर क्या है कि व्यवहारिक यानी कि जो विकास है मनुष्य का वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो ये विकास हर क्षेत्र में होता है जिससे कि मानव की जो ज्ञान चक्षु है वो खुलते रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि धन खोकर यदि हम अपनी आत्मा को पा सके तो कोई महंगा सौदा नहीं है, यानी कि यहाँ पर ईमानदारी के बारे में चर्चा की गई है कि अगर धन को खोना भी पड़े और आप अपनी आत्मा को प्राप्त कर सके तो ये कोई महंगा सौदा नहीं, अर्थात आप घाटे में नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझा करो, यानी कि सिर्फ वही आपकी जायदाद या प्रॉपर्टी है जिसे तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। ये सारे कथन मुंशी प्रेमचंद जी के स्वयं के थे। फिर आगे देखिए बच्चों, इन्होंने कहा पांचवी बात कि अन्याय का सहयोग देना अन्याय करने के समान ही है, यानी कहीं पर अगर अत्याचार हो रहा है, अमानवीयता का व्यवहार हो रहा है तो उसमें अगर आप भागीदार बनते हैं तो वो भी एक प्रकार से अन्याय ही है। तो बच्चों इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का ये अनमोल कथन था और इनका जीवन परिचय हमने आपको बता दिया है। अब आपकी आपका जो पहला पाठ है नमक का दरोगा उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों।